सामग्री टू ऑल वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल नीलम भानुप्रताप। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम भानुप्रताप पे। तो नेक्स्ट डे का वीडियो है और मैं अभी तक यही हूँ क्योंकि आज हम जाने वाले हैं दादोस्तों महाराज के। तो हम यहीं रुक गए थे। ये भी नहीं खाना देता, ये इसका मूड नहीं है वरना अभी उठ के खा जाएगा थोड़ी देर में। ये उसी रोज आते हैं, जो उस रास्ते से आए हैं आज। तो वो ज्यादा सूखा सूखा नहीं लग रहा। लगता है मेरा फोन गाड़ी में रह गया है। अब रह गया तो रह गया, उसमें क्या हो गया? क्या तेरे को व्लॉग व्लॉग बनाना था क्या तेरे को? तो गाड़ी में ना महाराज। तो बस अभी हम आ चुके थे दादोस्तों महाराज जी। हाँ, यहाँ पे हमारी जोत जो थी वो आ चुकी थी, हम सब ने दर्शन करे यहाँ। माँ घूम रही थी सामने से, जा रही थी उधर, वो उधर जा रहे हैं हम। तो बस दोनों जगह जोत वगैरह लेके हम जो है निकल चुके थे वापस घर के लिए। बुआ सा आइडिया कैसे लगाते हैं? बुआ सा को बताओ आइडिया लगाओ। बरसात कैसी आई बताओ? बारिश कैसे आई? आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ, आइडिया कैसे लगाते हैं बुआ सा? आइडिया लगाओ, बुआ सा को बताओ आइडिया। आइडिया कैसे लगाते हैं बुआ सा? आइडिया दोनों हाथों से लगाते हैं कहाँ से? बुआ सा कैसे करते हैं आइडिया लगाते हैं जब? ऐसे आइडिया लगाओ मामोसा। हाँ मामोसा ने आइडिया कैसे लगाया? हाँ बुआ सा ने आइडिया कैसे लगाया? हाँ ऐसे ने बनाओ बनाओ डालो इसमें। पूरा तो बनाओ पहले ये। नौ नौ ये सही तरीके से बना। जल्दी जल्दी बन कीजिए जी, बना रही है। चलो अठे ना डाला सर मिया मेरे हैं दादा मिया मेरे हैं मिया। हम जा रहे हैं, बाय बाय। मैं और दादा जा रहे हैं। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे ना? काउंटिंग सुना दो दादा को। नहीं जाएंगे ना? बोलो एक एन थ्री फोर फाइव वन टू थ्री। तू बोल दे खुद, तेरे को आता है? इसको आता है? वन से बोलो, वन से बोलो, वन टू थ्री बोलो। तो बस उस दिन जो है बारिश आ गई थी, तो मैं निशी को जो है बारिश में नहला रही थी और उसके चक्कर के अंदर मैं भी भीगी थी क्योंकि निशी दा कभी अकेले बारिश में नहीं, मतलब शायद वो पहली बार ही नहीं होगी बारिश में ऐसे। तो बस मैं उसे सिखा रही थी कि बारिश में कैसे नहाते हैं क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा था बारिश में खड़े होने में। तो बस अभी हम दोनों भुआ पति जी बारिश में नहा रहे थे ऐसे।
हेलो एवरीवन है, और अभी जस्ट बारिश आ रही है तो मैं और निशिता नहा के आए हैं। अब मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि इतने दिनों बाद के अंदर मौसम सही हुआ है सही में। तो बस अभी बाल बाल तो गीले हो ही रहे हैं, अभी थोड़ा सूख जाते हैं जब तक हम पीते हैं। और मम्मी बारिश में बैठ के आनंद ले रहे हैं, मम्मी लहसुन छील रहे हैं और मम्मी ने बनाया है मौसमी का जूस, छिलके हैं और अभी हम दोनों बैठ के पियेंगे चाय, बारिश का आनंद लेंगे। और आज हमारे डिनर में बने थे आलू के परांठे, जिसे मैं चटनी के साथ खा रही हूँ। अभी क्या है इसमें? अरे वाह, मेरे को वो वाली चाहिए, ये ले ये मम्मा की, मेरे को चाहिए वो वाली चाहिए मेरे को तो, ये ले ये मम्मा की, वो आप ही रख लो, मैं तो दूसरे बड़ी वाली ले लूंगी, ये आप ही रख लो, आप दोनों खा लो छोटी छोटी। ये मैं रख लूंगी, मेरे को दे दो, एक और दे दो मेरे को, ये मेरे को दे दो, मैं और ले लूंगी। तो लाओ मेरे को मेरी चॉकलेट, तो दो मेरे को मेरी चॉकलेट, तो दे ये नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया वाली है। थैंक यू बोलो पापा को, थैंक। अब दादा का नाम बताओ दादा। तो बस अभी मैंने हेयर मास्क लगाया है अपने बालों में, क्योंकि कल इवेंट है तो उसकी वजह से। और ब्लॉग का एंड मैं ये करती हूँ, मैं गई थी अपने ससुराल, को पता था लास्ट टाइम कन्नू का बर्थडे था, तो आते आते मेरे को 1 बज गए थे तो मैं वहीं रुक गई थी। और दूसरे दिन जो थी बारिश थी दादोसा महाराज की, मतलब हमारे यहाँ जो दादोसा महाराज है उनके यहाँ बारिश मानी जाती है, तो पापा ने बोला चलो वहाँ चलते हैं फिर चले जाना। तो फिर हम लोग सीधा जो है सुबह जल्दी उठ के गाँव निकल गए, फिर गाँव से आते टाइम इन्होंने मुझे जो है यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो बस ये एक दिन का टूर हो गया मेरे ससुराल का, मतलब एक आधा दिन कह सकते हो, रात और आधा दिन। तो बस उससे मैं वापस आ गई, फिर यहाँ बारिश वगैरह आई निशु के साथ, जो काफ़ी इन्जॉय किया। मतलब निशु इतनी कॉमेडी हरकतें करती है ना, इतनी कॉमेडी, लेकिन वो जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तब नहीं करेगी, वो कैमरा ऑफ करते हुए चालू हो जाएगी ना। बच्चे कई बार होते भी हैं, जैसे मैं कैमरा चालू करूँगी ना वो इधर मेरे साइड आके देखेगी भी क्या रिकॉर्ड हो रहा है, वो क्या कर रही है, वो उसे नहीं देखना है। तो बस ये सारी चीज़ें थी, और बस ब्लॉग का एंड में ही करती हूँ। कल हमारा इवेंट है अजमेर में, तो हमें उसमें जाना है। तो आई होप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।